कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। लोकसभा चुनाव के एन वक्त तक लोगों को यह शिकायत रही कि भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल किसी से नहीं मिलते, भाजपा के पार्षदों से भी नहीं। सेलिब्रिटी होने के कारण सभी की चाह होती है फोटो खिंचवाने की, तो वह भी पूरी नहीं हुई। इस शिकायत को दूर करने के लिए आज सांसद अरुण गोविल ने मेरठ के सर्किट हाउस में नगर निगम के पार्षदों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सांसद के साथ सभी ने फोटो शूट कराया। बावजूद इसके किठौर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों ने सांसद के पीए चंद्रशेखर पर यह आरोप लगाते हुए शोर शराबा किया कि वह उन्हें सांसद से मिलने नहीं देते। ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर व MLC धर्मेंद्र भारद्वाज ने किसी तरह भड़के लोगों को समझाकर शांत कराया। बाद में FirstBite.tv से वार्ता करते हुए कुछ अन्य पार्षदों ने शहर की मौजूदा समस्याओं को यह कहते उठाया कि सरकार और नगर निगम में बोर्ड भाजपा का होने के बाद भी शहर की क्षतिग्रस्त सड़कें गंदगी से पटी हुई हैं। जल भराव की समस्या से लोगों को रोजाना रूबरू होना पड़ रहा है। उस पर नगर निगम ने हाउस टैक्स में अप्रत्याशित वृद्धि कर कोड़ में खाज का काम कर दिया है। ऐसे में जनता के सवालों का जवाब उन्हें देना पड़ रहा है। सर्किट हाउस में हुए इस फोटोशूट को FirstBite.tv ने अपने कैमरे में कुछ इस तरह से कैद किया, देखिए। बाद में FirstBite.tv से भाजपा के पार्षदों ने हाउस टैक्स व अन्य समस्याओं के बारे में यह कहा। सांसद जी को हाउस टैक्स के विषय में जो अधिकारियों ने लगाया है ये अनाप शनाप, इसके विषय में ज्ञापन भी दिया है और उन्होंने कहा उचित बात करेंगे उचित जगह पर, चाहे प्रदेश में करनी पड़े चाहे अधिकारियों से बात करनी पड़े, उन्हें बुला करके इसको ठीक कराया जाएगा। जनता में बहुत आक्रोश है और इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। मैं पार्षद पूनम गुप्ता वार्ड 35 से, और जनता का जो हाउस टैक्स 5 गुना बढ़ा दिया गया है उसको लेके हमने 12 गुना भी है, तो जिसमें जनता हमारी हाउस टैक्स जमा नहीं कर पा रही है उसको लेके बहुत विरोध हो रहा है। बाकी इस पे संज्ञान दिया गया है, हमारे महापौर हमारे सांसद जी इस बात पे संज्ञान लेंगे। मैं नरेश सैनी वार्ड 7 पिल्ला सोफीपुर से, इसमें जो बढ़कर गया हाउस टैक्स हम उसका पूरा विरोध कर रहे हैं और जब तक इसमें संशोधन नहीं होने का हमने सबसे कह दिया बिल जमा करने की कोई जरूरत नहीं। और सभी पार्षद एक सूत्र में हैं और हमने ये बात मेयर साहब से सांसद साहब से भी रख दी। मैं निरंजन सिंह पार्षद वार्ड नंबर 30, जिस तरह का भी ये बिल बनाए हैं हाउस टैक्स के, ये बिल्कुल नाराजगी करने वाले हैं और दिमागी रूप से परेशान करने वाले हैं। जो जिस आदमी का जो हाउस टैक्स है 100 रुपये आ रहा था, यानी मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, उसका सीधा एकदम इन्होंने 1200 कर दिया, 1500 कर दिया। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। बात ये होनी चाहिए थी कि जिसका मतलब जो 100 रुपये आ रहा तो उसका कुछ प्रतिशत 20-25% उसको बढ़ा दिया जाए और जो कि जनता इतनी परेशान नहीं होने वाली। अब ये आए दिन मतलब जो है बिजली की दर बढ़ना, हाउस टैक्स बढ़ना, सुविधाओं का ना होना, ये तो जनता के साथ बहुत ही छल कपट दिखाई दे रहा है। इससे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब जो जनता की सेवा हो रही है, जनता को तो दुखी किया जा रहा है। इस तरह से जनता में आक्रोश है। हमने इस बात को अपने सांसद जी से, अपने मतलब जो है अपने प्रतिनिधियों से, जन प्रतिनिधियों से बताया है, उठाया है और ये हम जब तक उसे जमा नहीं होने देंगे जब तक ये सही मायने में संशोधन नहीं हो जाता। जी वे बोर्ड बैठक में तो इस बात का पुरजोर बिल्कुल विरोध होगा और अच्छी तरह से होगा, जबरदस्त होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।